तो अस्सलाम वालेकुम गाइस तो हाजिर है गाइस एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ तो गाइस ये वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो गाइस कुछ काफ़ी लोग पूछते थे तो हमजा भाई आप इतना मास्टर हैं मतलब हाई एम कैसे कर लेते हो मतलब इतनी अच्छी मूवमेंट मतलब कैसे कर लेते हो तो गाइज़ इस इसमें मैं आपके लिए लेके आया मतलब कि लाइक टेन पॉइंट्स हैं गाइज़ मतलब बहुत तगड़े हैं गाइज़ जो टेन पॉइंट्स आपके लिए लेके आए तो गाइज मतलब काफ़ी लोगों की मतलब स्किल्स होती हैं काफ़ी अच्छी गेम प्ले भी होती है पर वो मतलब उनका एम ख़राब होता है वो हार जाते हैं मतलब वो मैच नहीं विन कर पाते गाइस आज आजकल बहुत हाई मतलब हाई कंपटीशन हो गया गाइस मतलब कि इसके लिए आपको गेम अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी तो गाइस उसके लिए मैं आपके आपको दस पॉइंट्स लेके आए तो गाइज दस पॉइंट्स को फॉलो करना आपने और मैं कहता हूँ गाइज आप मैं कह तो मास्टर प्रो हो जाओ अगर फॉलो मतलब अगर ना होए ना आप प्रो फिर बात करना मतलब अनसब्सक्राइब कर देना तो का जस्ट लाइक को फाइव के लाइक्स का एम गया इस वीडियो का तो कह चलेगा शुरू करते हैं फिर आ जाओ फिर तो बात करेंगे सबसे पहले हेयर की हेयर क्या है क्या चीज़ है आपको मैं सारा बताता हूँ ये जो क्रेशियर है ये आपके सामने जो एम नज़र आ रहा है ना ब्लैक कलर का आपकी स्क्रीन पे अभी ये है गाइस क्रॉस हेयर तो आप लोगों ने इस क्रॉस हेयर को मतलब कि बंदे के हेड पे कैसे लेके जाना है बंदे को मारना कैसे इजीली आप कैसे किल सकते कर सकते हो और मूवमेंट भी आपको बहुत कम देनी पड़ती है गाइस आपका अगर क्रॉस हेयर सेट हो जाए आपकी मोमेंट वैसे हल्की गाइस तो आप ईज़िली मार सकते हो दूसरे बंदे को तो सबसे पहले आप भी करना है बंदा सपोर्ट करना है तो बंदा स्पोर्ट करना है बंदा स्पोर्ट कर लिया आपने तो आपने अपना क्रॉस हेयर बॉडी या उसके हेड पे लेके जाना है किससे बंदा आपका दूसरा एनमी मरे तो उसके आपके इंप्रूव करना है गाई उसको आपने खेलना है बगैर स्कोप खोले प्री डीएम गाइज मेरे को देख रहे गाइज मैंने एक शॉट पर भी नहीं स्कोप खोला गाइज बगैर स्कोप खोले प्री डीएम खेल लो टी डीएम खोल लो आपका जो क्रॉस हेयर है ना वो इम्प्रूव होगा गाइज आप ट्राई करना बहुत 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 इंप्रूव होगा और अगर मतलब आपका जो है ना मतलब किल करने का किल भी इजीली क्लासिक राउंड में आप किल कर सकते हो गाइस ये बंदा टेलीपोर्ट हुआ एक मैंने फ़ौरन अपना क्रॉस है इधर से उधर ले गया अगर आप गायरो प्लेयर हो तो आप अपना मोबाइल जिक जैग ऐसे करते हो गए अगर आप टच प्लेयर हो मैं देखा गाइस गायरो यूज़ किया करो गायरो बहुत बेस्ट है ऑलवेज ओन पे रखो गायरो बहुत, बहुत होती है तो बस मेरा एम बंदे से हट ही नहीं रहा अगला बंदा भी बहुत अच्छा खेल रहा था देख गाइस ये हेड पड़ी इसको तो मेरा जो मेरा तो मैं तो देखा बहुत प्रैक्टिस किया गाइस आप लोगों ने ना बगैर स्कोप खोले आपने टी टी एम खेलना कितने खेल सकते हो आप एकदम क्लासिक में ना गुजरा जाया करो आप पहले प्रैक्टिस क्या करो ट्रेनिंग मोड में टी एम में बगैर स्कोप खोले ये नहीं कि काइज के अगर बंदा आपके पास दस पंद्रह मिनट की दूरी में तो का उसको आप स्कोप खोल के मारो कोशिश क्या करो ए टी एस ए टी एस ऑफ करके मारा करो एट मारा करो तो कायद अगले बढ़ते हैं फिर तो कई बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की स्प्रेड ट्रांसफ़र तो गई आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर स्ट्रीमर आप लोगों ने देखोगे तो वो बलते चलते चलते बंदों को ए, मतलब चालीस गोले में तीन तीन बंदे मार देते हैं भाग रहे होते हैं बड़ी मीडियम रेंज में बंदे तो कह वो कैसे मारते हैं कहते वो करते हैं प्रैक्टिस कहे टी टी एम में बहुत टी टी एम में मतलब ट्रेनिंग मोड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो यार बहुत ही ज़्यादा तो कहीं आप लोगों ने आप लोग अगर इस चीज़ को प्रूव करना चाहते को, मतलब चल रहा हो बंदा भाग रहा हो तो आप लोग इसको ईज़ीली किल करना चाहते हो तो आप लोगों ने ना ये जो डब्बे बने हुए हैं ना आप ट्रेनिंग मोड में जो ये जो भी होते हैं तो आप लोगों ने इनको एम करना है का पहले करो सिंगल पे टप 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 सिंगल पे मारो उनको गड़ाओ फिर बाद में कहा स्प्रे देखो इसी मतलब एक से दूसरी जगह स्प्रे उनको ट्रांसफ़र करो अगर बंदा समझो ये बंदा एनिमी है तो ये भाग रहा है तो गाय आप लोगों इसको ईजीली मारना है और बहुत जल्दी मारना मारने में गायज कोशिश करना हैड है पर जाए एम ट्राई किया करो हर बार हेड पे जाए एम गाइड हेड पे एक बंदे को हेड लग जाए अगला बंदा डेड हो जाता है उसके शॉर्ट हो जाते हैं गाइज या गाई छनकने लगाने के लिए बनाए नहीं गए ये हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए बना तो क्या बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की कार ट्रैकिंग प्लस एनिमी मूविंग तो क्या इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि आग मतलब चलती गाड़ी है तो उसे बंदा कैसे उतारना है उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है तो कहीं आपको कोई आप को बोर्ड नज़र आ रहे हैं ना ये बोर्ड इस बोर्ड पे आप लोगों ने स्प्रे देने हैं तुर तो के तुं तो मतलब कि यार करो मतलब प्रैक्टिस करो मेरे भी से भी नहीं छा तुन के आप लोगों ने देनी है प्रैक्टिस पर मैं तो बहुत बहुत मेरी बहुत इंप, इंप्रूविंग आ गई है कर कर मेरी बहुत इंप्रोविंग आ गई है तो आप लोगों ने करना ये है कि ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं इस पर मैं ऐसे ना मार रही हैं तो आपको गाड़ी के बंदा उतारने के ट्रिक बताता हूँ गाई गाड़ी से बंदा जा रहा है ना तो आपने गाड़ी के ना बोर्नट से थोड़ा सा आगे एम रखना है उसके ऊपर एग्जैक्ट मारना थोड़ा सा आगे रखना है तो गाइस बंदे को लगनी चाहिए तो जब गोली जाती ना आगे जाके गोली का मतलब तो वजन थोड़ा नीचे हो रहा है गोली एम पे नहीं जाती थोड़ी नीचे जाके लगती है तो आपने करना है कि थोड़ा सा बोनेट से आगे रह... आगे थोड़ा सा रख के ना फिर उसको गोली मारनी है तो आप ये पहाड़ देखो ना इस पर एम करना सीखो ऐसे मतलब कि ना क्या आपका एम कैसा है तो क्या इस पर आप में जा रहे हैं तो एनमी रन कर रहा है तो आप उसको देखो कैसे मार रहे हैं तो भाई साहब बात करेंगे पॉइंट नंबर फोर की तो पॉइंट नंबर फ़ोर में ये है कि आप लोग अक्सर छोटी छोटी जगह ब्रिकक बरीक जगह से बंदा नहीं मार पाते उसके लिए आपके आपके अंदर स्किल ही नहीं मतलब इंप्रूव ही नहीं किया आपने कभी भैंसरी अन्य वाह खेलना शुरू कर देते हो गेम भाई ट्रेनिंग में जाओ ये देखो उन्होंने खाने बनाए हैं इधर भैं जो कुछ घुसाने के लिए नहीं बनाए उन्होंने इधर आप लोगों ने इधर सीख लेने के लिए बनाया गया है हाँ तो इधर सीखने के लिए बनाया गया देखो आप, आप मतलब अक्सर छोटी छोटी जगह से बंदे नहीं मार पाते मतलब छोटी छोटी विंडो हो आपका एम ही नहीं जाता रेड डोड आपका काम पर होता है तो आप लोगों ने पहनि सीढ़ी आपका रेड डोर्ड का रिक्वल भी बिल्कुल ठीक होता है तो आप एम नहीं कर पाते और एम कर भी लेते हो बहुत लेट एम करते तो आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग में आना है तो इस जगह पर आपने तो आपने फास्ट फास्ट एम करना का फास्ट फास्ट पहले सिंगल सिंगल पे चलाओ सिंगल सिंगल पे एम सेट करो सिंगल सिंगल पे एम सेट करो स्लो स्लो तो आपने आपने उसको स्पीड स्पीड से करना क्या इस मतलब तेज़ी तेज़ी से अगर आप आईफोन है तो बेस्ट है अगर मतलब थर्टी आई पी वाले ये काम करना चाहते हैं तो भाई उनके लिए मेरी तरफ से माजर रहता है तो भाई आप लोग ये नाम करो फोन पबजी डिलीट कर दो और जिसके बाद मतलब थ्री आई वाला फोन है वो कर सकता है गई ये ओपी किसी में ट्राई करना है आपने तो मेरे ख्याल से अगर आप इस ये वाली स्किल इंप्रूव करते हो ना आप पे आती बंदा आपको हैकर बोलेगा मैं कहता हूँ ओपी वाला तो आ, चलते हैं गए अगर तो कई पॉइंट नंबर फाइव की तरफ गाइस तो काफी लोग ऐसे हैं कि मतलब जो जिनको स्कोप खोलना सही से नहीं आता मतलब कहते हैं वो कहते हैं भाई स्कोप कहां पे खोलना है और एम हमारा कहां पे जा रहा है गाइस तो इधर आप लोगों ने सबसे पहले इन बोटों पे जाना है तो आपने सिंगल टैप पे करके इन बोर्ड्स पे सिंगल टैप पे करके ऐसे मारना मारना भी है तो हेड पे मारना बॉडी पे नहीं मारना इधर तो लादमी हेड पे मारो बंदे पे चलो रहने दो इधर लादमी हेड पे मारो इस पे आपने लादमी काश मेरी ये पल्ले ये बातें आपको पढ़ने पड़े तो आपने इसको पहले आपने करना है पहले आपने मारा सिंगल सिंगल टैप पे फिर आपने दो तीन फायर मारने हैं देखो कश मेरी मेरी कर करके के कर कर, मेरी स्पीड कितनी तेज़ हो चुकी है आप लोगों के सामने ही है ठीक है मेरा भी अक्सर हेड पे नहीं जाता पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ मेरा एक हेड पे जाता है फिर मैं दूसरी की तरफ बढ़ता हूँ गाइज कोशिश करना आपका एम इस पे हेड पे जाए तो गाइज़ आपका स्कोप खोलेगा ऐसे मक्खन की तरह मैं कहता हूँ चस आ जाएगी आपको आपने ये लाजमी करना ट्रेनिंग में गाइज सिर्फ सिर्फ टेन टिप्स हैं गाइज ये एक दिन फॉलो कर रही हैं आपने आपको मजा आएगा तो अब ये देखो गाइज कितना ओपी तरीके से हो रहा है यार कितना स्मूथली हो रहा है गाइज मैं कहता हूँ ओफ हैकर करूँ मैं तो कहा ये आप लोगों ने कर लाजमी करना है मतलब आपने पहले टैप टैप करके मारना फिर आपने करना ऐसे स्पीड से मारना तो कहे ये कह इससे आपका ना स्कोप बहुत जल्दी इंप्रूव होगा और आपकी स्पीड बहुत 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 तेज़ होगी थी तो कहा चलते हैं आप अगले पॉइंट की तरफ तो गाइस बता पॉइंट नंबर सिक्स की तरफ को गाइस पॉइंट नंबर सिक्स में है कि आप लोग रिच पे फाइट कैसे करो रिच पे आपका फ़ाइट और आपका एम कैसे हो कि आपने गोलियां कितनी चलानी है रिच पे तो यार काफ़ी लोग होते हैं रिच पे मतलब बहुत ही टट्टी खेल रहे होते हैं तो गाइस आप लोगों ने सबसे पहले अगर गोली मारनी है तो बंदे को दस गोलियों से ज़्यादा आपने गोली नहीं चलानी अगर आपके सामने मतलब दो तो बंदे हैं तीन बंदे एक बंदा है तो आपने उसको दस गोलियों से ज़्यादा मही मारना दस गोलियों से ज़्यादा एम मतलब सिर नहीं अपना निकालना दस गोलियाँ मार के नीचे दस गोलियाँ मार के नीचे तो गाइज़ कम एम करो तो गाइज़ आपके इधर मरने के चांसेस बहुत कम हो रहे थे और आपने जब भी मतलब रिज पर हो ना तो आपने नेट तो लादमी उठाने यार आपके नेट तो लादमी गेम में खेलते हो ना आपके चार नेट कन्फर्म सेट होने चाहिए देखो आपने इधर दस गोलियाँ मार एक दो तो लगी होगी तो आप इसको नेट से ईजीली नॉक कर सकते हो गाइज़ नेट डालो एक राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ राइट कि right राइट से मरेगा लेफ्ट को लेफ्ट को मारेगा तो कह इधर ईजी आप बंदे को ले सकते हो मैं कहता तो आप इतनी स्मूथली बंदा के कह भाई इतना ओपी कैसे खेल रहा है बंदा तो आप इधर आपको रिपोर्ट भी कर सकते हो ईजिली खेलना आप लोगों ने तो आप एक नेट डाला दूसरा अगर फिर भी बंदा ने नेट हो रहा फिर भी आप उसको मारो काफ़ी लोग हो रहे थे रिजबे मतलब तो एक स्प्रे में सारों को लेने की कोशिश करते हैं भाई लो अगले बंदे भी प्रो होते हैं अगले बंदे भी खेलने आते हैं घर से तो आप बंदे को ईजिली मारो पॉइंट नंबर सेवन क्योंकि इस पॉइंट नंबर सेवन में ये है कि आपको जंप एंड रश जंप एंड रश गाइज ऐसे है कि अगला बंदा टी पी ले रहा होता है तो गाइज़ आप सीधे सीधे जाते हो आपको बंदा किल कर देता है तो आपको गाइज इस तरीके से रश करना पड़ेगा कि आपको ईजिली किल ना कर पाए मतलब आप उसको आ, आपको डैमेज हो आपको मरो ना तो आपको गाइज उसको जंप एंड रश देना पड़ेगा गाइज मतलब कि आप रश कर रहे हो अगर अगला मतलब टी पी पी ले रहा है तो आपको सीधे सीधे जाओगे ईजीली किल ना हो जाओगे आपने करना है जंप करनी है फिर उस पर रश करना है तो मतलब आपने इसको देखना चाहे देख रहे हो ना मैं किनारे किनारों पर मार रहा हूँ आपने इधर ट्रे, ट्रेनिंग में इसकी प्रैक्टिस करनी है मतलब आप मतलब अगला बंदा हार्ड टी टी पी ले रहा है अगर आप उसको डाउन करना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस लाजमी करना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस रश में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं कह अगले बंदे का एम ही बिगड़ जाता है यार मतलब अगला बंदा एम ही नहीं कर पाता लाइक मतलब कि ना तो फिर आपको ईजीली किल कर पाओगे उसको मतलब बहुत बहुत हैवी सीन कर हो जाएगा आपने लादमी करनी है ट्रेनिंग चलेगा इस पॉइंट नंबर एट की तरफ फिर तो कहीं पॉइंट नंबर एट गई पॉइंट नंबर एट में आपको लेफ्ट राइट पीक बेस्ट होनी चाहिए आपके कोई बंदे होते हैं कहीं जिसकी लेफ्ट पीट अच्छी होती है किसी की राइट right पीट अच्छी होती है मतलब आप लोगों ने बेसिक करना है कहीं दोनों पीके अच्छी करनी है दोनों पीकों का काम बहुत है गेम में क्लासिक मैन में पीकों का काम बहुत है कहीं इस वरना आप पूरी बॉडी दिखाते हो आपको बंदा बहुत जल्दी ईजिली क्लीन कर दिएगा आपने पीकों की प्रैक्टिस करनी है देखो एक ही एम पे आपने पीके करनी है बार बार लेफ्ट से राइट right से लेफ्ट से राइट से गई इस 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 पर आपने बहुत मेहनत करनी है कहीं तीन दिन जस्ट थ्री डेज काइज आप लोगों ने ये टिप्स करने हैं आपको गए प्रो से भी लेजेंड हो जाओ गाइस मैं कहता हूँ हैकर हैकर बोलेंगे पब्लिक आप देख रहे हो गाइज मैं कभी लेफ्ट से कभी राइट से गाइस ये बहुत लाजमी चीज़ है यार आपकी पीक बेस्ट होगी ना गाइस तो मैं कह तुम बहुत बहुत मजे आएंगे गाइस पीक का बटन ऐसे जगह पे सेट करो जहाँ पे आपका ईजिली टेक हो जाए मतलब तो आप ईजिली उसको प्रेस कर पाओ मैं तो ये भी बोलूँगा गाइज और चलेंगे पॉइंट नंबर नाइन की तरफ पॉइंट नंबर नाइन का पॉइंट नंबर नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस शूट एंड कवर तो ये बहुत लाइक बैटरी में बहुत यूज़ होने वाला है ये चीज़ बहुत यूज़ होती है शूट फिर कवर शूट फिर कवर शूट फिर कवर तो मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस मतलब कि आप इसको सीखो तो बहुत लेजेंड बन जाओगे गाइस ये सीखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है तो गाइस ये आपने शूट, शूट करना फिर कवर काज शूट करना ही कवर गाइस इससे पता क्या आप मतलब टेक जल्दी नहीं मनोगे आप मतलब अगर एक जगह खड़े हैं कि फायर दही जा रहे हो दही जा रहे हो दही जा रहे हो तो आप इजीली भी बंदा मार देगा ना आपको आप तो मतलब कि इजीली किल हो जाओगे तो मतलब आपने अपनी केडी करनी है अच्छी मतलब कि आपने अपना रैंक अच्छा करना है आपने मरना नहीं है शुरू शुरू में गाय तो फायर दो बंदों को ए, 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 फायर दो फिर कवर में आओ फायर दो फिर कवर में आओ ये मुझे देखो गाइस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना गाइस आपने ऐसे ही मतलब लाइक स्पीड भी आपकी बहुत तेज़ होगी गाइस बार बार करो ना मतलब ऐसी चीज़ें निकल के मारो बोर्ड्स को कैसी ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए बनाई गई हैं हम करेंगे नहीं तो एक बंदा कैसे करेंगे जो मतलब चीज़ें हैं मतलब आओ आगे प्रैक्टिस करो गाइस कितनी प्रैक्टिस कर सकते करो हल्की थी पीक दी मैंने एम स्विच करो ऐसे फिर अंदर हो जाओ कवर दो मतलब फायर करो कवर करो फिर अपने अंदर आ, अंदर आ जाओ तो गाइस ऐसे गाइस आपने मतलब ये बहुत गाइज आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आगे मतलब रोज आके ये शूट एंड कवर शूट एंड कवर खेला करो गाइज मैं कहता कर बहुत गाइज गाइज चले फिर पॉइंट नंबर टेन की तरफ लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर टेन तो गाइज पॉइंट नंबर टेन मूव एंड शूट एंड क्राउच तो मूव एंड शूट क्राउच प्रैक्टिस मतलब लाइक बंदा सामने आपके तो आप उसको कैसे मारोगे खड़े होकर तो नहीं मारोगे ना आपने मूव करना है शूट करना है फिर क्राउच करना है तो आप उसको मूवमेंट दोगे ना क्योंकि तो अगला बंदा भी आपको ईजीली ना मार पाए तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो आप देखो ना कोई बंदे खड़े होकर मार रहे होते हैं मतलब तो बेसिक लेवल के बंदे यार जो जो नए खेलते हैं उनके लिए उनके वीडियो बनाई जाती है ना तो उनको लिए आपने करना ये कि मूव करना ये देखो मूव क्राउच एंड शूट मूव क्राउच एंड शूट ये तो पीके पीके कर रहा हूँ ना मैं अभी तो आप लोगों ने मूव कराउच एंड शूट करना कितना दे सकते हो गाइस कितना मतलब आपका जो एम है ना जो आपका बेसिक एम है वो देखो जो जो ब्लैक कलर का स्क्रीन पे वो देखो गाइस बंदे के हेड पर रहे लाइक मतलब एक हेड पड़ जाता है ना एक हेड तो हेड पे मारने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना लाइक जितनी ट्रेनिंग करोगे उतना बेस्ट हो जाएगा मतलब आपको मूव क्राउच एंड शूट अगर आप एक टाइम पे देते हो ना गाइस अगला बंदा आपको नहीं किल कर पाएगा अगर जायरो पे खेलते हो आपका मूव क्राउच एंड शूट बहुत अच्छा होता है अगर मैं आपको कहता हूं आप बहुत जल्द मूव क्राउच एंड शूट खेलना शुरू कर दो और बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो दूंगा गायरो ट्रोल की तो गाइज मतलब गायरो कैसे यूज़ करते है हैं हैंड कैम के साथ तो ये देखो गाइज मूवर दे रहे हो मतलब एक जगह से दूसरे एम पर शिफ्ट करो ये गाइज ये क्यों बन... ट्रेनिंग हमारे लिए बनाई जाती है अगर आप प्रो लेवल मतलब अच्छी गेम करना चाहिए तो गाइज रोज थर्टी ट्रेनिंग मोड में दिया करो लाइक मतलब मोड बहुत 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 अच्छी मतलब एडवांटेज है तो गाइस ये हमारे लिए ये मतलब छनकना नहीं है, मतलब लाइक नहीं फजूल में नहीं है ये जो भी बड़े बड़े प्रोस है जिस के दे लो देगा वो रोज एक घंटा ट्रेनिंग मोड में होता है गाइस इसलिए उस इस बंदे के हेड पेन इतना अच्छा हो जाता है ना और गाइस बहुत जल्द आप लोग कहते तो अपनी सेंसिटिविटी सारा कुछ शो करेंगे और रिकॉल रिकॉइल सकेंगे तो उसकी वीडियो बनाऊंगा तो गाइस इस वीडियो का लाइक कैम फाइव के लाइक्स है मैं गाइज कर देना गाइस में क्या लव हो जाएगा गाइस तो गाइस आप लोगों को समझ तो आ गई होगी तो गाइस आप लोगों के टेन पॉइंट्स हैं गाइस ये टेन पॉइंट्स हैं आप लोगों ने आदमी फॉलो करने हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये आपने ये टेन फॉलो कर लो गाइस अगर आपकी गेम में इम्प्रूव ना आया ना